हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत। तो भाई ये है TVS XL हैवी ड्यूटी, और भाई इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल करने वाले इसमें क्या क्या फीचर मिलती है और माइलेज क्या है इसका, और भाई इसका प्राइस क्या होने वाला है, और इसमें भाई काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, वो सारी चीज़ों का डिटेल करूँगा। उससे पहले भाई की बात करते हैं कि कुछ इस तरीके से आता है। ये वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए है या फिर उन भाइयों के लिए है जो मतलब कि यार घर पर कुछ बोझा लाने का काम करते हैं या फिर उनका कोई वर्क है जिसपे आपको सामान लेके आना है, उन लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें ये जो बाइक है या कम्यूटर बाइक है काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में डिटेल करेंगे इसके सारे फीचर और सारी चीज़ें। सबसे पहले भाई की लगा लेते हैं। ये है भाई अपना सेल्फ प्लस की वाला वेरिएंट, जहाँ पे आप देखोगे ये आपको सेल्फ का साथ मिल जाएगा, ये अपना की को मिल जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल पर देखोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये अपना इंडिकेटर। एक बार जलाता हूँ भाई, ये अपना हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, ये अपना मेन लाइट मिल जाएगा क्रोम के साथ। यहाँ पे आपको एलईडी मिल जाएंगी चार, तीन तीन बल्ब। अपना सस्पेंशन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये इसमें माइलेज वाइलेज बात करोगे तो इसमें भाई 50 से लेकर 60 के बीच में माइलेज देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड की बात करोगे तो ये आपको 60 का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप देखोगे। सस्पेंशन अगर बात करते हैं तो सस्पेंशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखो रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। बाकी 110 mm का फ्रंट में ड्रम मिल जाएगा, 110 mm के रियर में ड्रम मिल जाएगा। SVT टेक्नोलॉजी के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, और ये आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा, स्पोक व्हील मिल जाएंगे। टायर साइज की बात करते हैं 2.50 16 इंच के व्हील देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये फाइबर लग रहा है भाई, फाइबर ही है यहाँ पे आपको प्लास्टिक के साथ। बाकी एक बार बात करते हैं इसके टैंक कैपेसिटी, तो इसमें भाई आपको मिलेगा भाई 4 लीटर का टैंक, यहाँ से आप फ्यूल फिलअप करवाओ कर पाओगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से फ्यूल फिलअप करवा पाओगे। बाकी अगर बात करते हैं इसके हैंडल पे, तो कुछ इस तरीके से इसका हैंडल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बात करते हैं अपना ब्रेक का भाई, ये अपना लाइट का इंडिकेटर का। एक बार हॉर्न सुन लो भाई, हॉर्न सिंगल हॉर्न है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई, इसका डिजिटल मीटर तो नहीं मिला है, कंसोल मिलेगा आपको एनालॉग वाला मिलेगा, जहाँ पे स्पीडोमीटर। टॉप स्पीड मैंने बताया 58 से 60 इसका टॉप स्पीड है। बाकी कितना किलोमीटर चला हुआ चलेगी, इंडिकेटर लाइट के चेक इंजन लाइट, बाकी की, और ये आपको कुछ देखने को मिल जाएगा फ्यूल का, और ये अपना सेल्फ का। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं, ये तेल भाई नहीं है इसमें, कोई नहीं इसमें तेल नहीं है भाई, कोई नहीं। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी सामान लेके यहाँ पे ला सकते हो, जहाँ पे आप देखने को मिले। ये आई टच स्टार्ट मतलब कि इसको आप सेल्फ मार के स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेल हैवी ड्यूटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका मोटर की पावर की बात करोगे, और ये अपना साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ देखने को मिल जाएगा। एक बात बात करते हैं इंजन पावर की और सारी चीज़ें। इंजन पावर की बात करो 99.7 cc का इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करोगे तो इसमें भाई 4.3 BHP का पावर मिल जाएगा 6000 RPM पे। टॉर्क की बात करो 6.5 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 3500 RPM पे कुछ इस तरीके से। अगर रियर से बात करते हैं तो रियर पे मैं एक बार दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे आप इसका देख सकते हो सीटिंग कंफर्ट काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे आप देख पाओगे स्प्लिट सीट के साथ। और बाकी रियर में आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन के साथ, और यहाँ पे रियर टायर भी देख सकते हो 2.50 15 16, ये कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से काफ़ी हैवी मेटल यूज किया गया। रियर में आपको लाइट देखने को मिल जाएगा, ये आप इंडिकेटर रिफ्लेक्टर, और ये अपना यहाँ से, और ये किक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करते हैं, ये है भाई E20 पेट्रोल के साथ आप देख पाओगे, तो इसका ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं। इसका ऑन रोड प्राइस है 72,625 इसका ऑन रोड प्राइस है अभिजीत TVS खैलाबाद उत्तर प्रदेश में। तो जो भाई लोग लेना चाहते हैं यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी भाई लोग यहाँ आसपास के हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 145 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, और लेंथ की बात करते हैं तो 1895 mm इसकी लेंथ मिल जाएगी। और गाड़ी की विड्थ की बात करेंगे 870 mm इसकी विड्थ मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये था आज के लिए वीडियो भाई, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस।